बताओ क्या बनाए। बिरयानी, कुछ पुलाव, कुछ काबली पुलाव, कुछ यखनी पुलाव, लेकिन रेसिपी सारी चावल से रिलेटेड हो। बताओ क्या बनाए। हाँ नहीं बता रहे ना, मैं फिर बाहर से मांग दूंगी। वो इन चावलों का नहीं अच्छा होता। क्या मतलब दिल कर रहा है मेरा ना बनाऊं? बन रही है। हाँ बताओ क्या बताओ। क्या सालन खाओगे, क्या खाना खाओगे बताओ। बकरे का गोश्त? बकरे का नहीं है हमारे पास, बीफ का है। बकरा कहाँ से है? तुमने से पकी है? चलो मटन, मटन साथ में। मटन नहीं है, बीफ है। बीफ चलो कसाईयों का घर तो नहीं है जो हमारे घर सारी चीजें होंगी। ऐसा करो चिकन बिरयानी बना दो। चिकन नहीं है हमारे पास, मंगवाया था जैसे बड़ा तुम्हारे जाना। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ बीफ का है बस। बस सीधा बोलो ना कि बीफ बिरयानी खानी है कि नहीं खानी। अजीब बात है। नहीं मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें सालन खाना है, तुम्हें बिरयानी खानी है, तुम्हें पुलाव खाना है, क्या खाना है? यार मोहब्बत से एक गिलास पानी भी पी लेगी पेट भर जाएगा। वो जब भूख लगेगी फिर पता चलेगा। देख लो रुला रुला के फिर खिताओ की पिज्जा खाए। क्या मतलब तुम रोज रो रो के खाना खाते हो? बाहर से ले आना, हम खुश होके खा लेंगे। रोज ही बात से रहूं और क्या करूं। कब लायो दाना? शर्म करो भी झूठ बोल रहे हो। कब लायो? वो तो हमने खुद खाया है, हमने नहीं खाया, हमने अपने लिए घर पे बनाया था। मेरे पास प्रूफ पड़ा है, हमने दाल और पराठा खाया था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और जैसे कि अगर आपने वीडियो गौर से देखी है शुरू से तो आपको पता चल गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। और क्योंकि फरमाइश थी वो चावल की थी, मेरा अपना भी दिल कर रहा था इसलिए मैं चावल से रिलेटेड ही पूछ रही थी। तो यहाँ मैंने मसाला जो है उसके लिए बना दिया है। गोश्त मैंने बॉईल किया हुआ है, ये है लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, थोड़ी सी काली मिर्च है, और नमक जो है वो मैंने यखनी में डाला था। तो बाद में मैं जो है वो टेस्ट करूँगी, अगर नमक सही हो तो ठीक है, कम हो तो दोबारा से जो है वो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, और वो मैं तब चेक करती हूँ जब पानी बॉयल हो रहा हो। बाकी इतना ख़ास स्पेशल मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, थोड़ा सा सिंपल बना रही हूँ। स्पाइसेस थोड़े से कम रखे हैं ताकि बच्चे जो है वो इजीली खा लें। तो तकरीबन जो है ये रेडी होने वाला है और इसके साथ मैं बना लूँगी रायता। अभी जो है इनको मैंने रख दिया था दम पे, और दम जो है वो हो गए हैं, चावल रेडी हैं बिल्कुल। आप बताइएगा आपको ये पुलाव देखने में कैसा लग रहा है, खाने में टेस्टी था, अच्छा था? और रिव्यू भी दूंगी मैं आपको, जिसके लिए मैंने बनाया था वो आपको खुद रिव्यू देंगे कि कैसा था खाने में। और इसके साथ जो है वो मैं बना लूंगी रायता, मुझे भी पसंद है वो और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। उसके लिए मैंने दही थोड़ा सा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है, थोड़ा सा मैंने जो है वो धनिया पुदीना, और चॉपर मेरे पास है थोड़ा हैंडी सा, छोटा सा चॉपर है तो हाथ से ही उसमें चॉप कर लिया मैंने, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और प्याज और खीरा बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है इनको, और साथ में नमक डालूंगी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूंगी। तो इसको जो है मिक्स कर देंगे, रायता हमारा हो जाएगा रेडी। इसके बाद आपको मिलेगा वीडियो का रिव्यू, यानी सॉरी रेसिपी का रिव्यू, वीडियो का भी हो जाएगा। तो ये जो है रायता भी रेडी हो गया है।
चावल के साथ जो है ये रायता बहुत ही अच्छा लगता है। आप बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो अब रिव्यू दो। इतने अच्छे चावल है जैसे कराची में मजारों पे मिलते हैं ना, लंगर बिल्कुल वैसे। हद हो गई है। सही कह रहे हैं। सही सही बताओ, ये लंगर वाले चावल लगते हैं तुम्हें? हाँ पे अच्छे मिलते हैं लंगर। बिरयानी तो नहीं है ना, पुलाव है ना? लोग पुलाव ही देते हैं ना लंगर। बिरयानी तो कोई नहीं देता, कोई कोई दे देता। हद हो गई है। तो मेरे चावलों को लंगर वाले चावल कह रहे हो? दानू ऐसा ही होता है। आइंदा की बार नहीं बनाऊंगी भाई, रिव्यू तो मेरी मर्जी से होगा। मैं नहीं बताऊंगी, फिर बनाऊंगी नहीं आइंदा कुछ भी। अच्छे हैं, टेस्टी है।